नमस्कार दोस्तों, आज हम इस अपने लेक्चर में सम्राट अशोक के बारे में पता करेंगे। सम्राट अशोक जो प्राचीन भारत के एक बहुत ही महान शासक थे, तीसरे ये मौर्य सम्राट थे और काफ़ी इनकी ख्याति फैली थी। इन्होंने भारत के सॉफ्ट पावर को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला दिया था और भारत को एक ऐसा भारत को एक ऐसा देश बना दिया था। भारत की सीमाएँ काफ़ी विस्तृत कर दी थी, भारत को एक ऐसा देश बना दिया जिसने अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट पूरे एशियन रीजन में फैला दिया था। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, मैं जो इसमें लेक्चर में बताऊंगा वो मैं आपको रीड भी करते जाऊंगा और साथ में लिखा हुआ भी है, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से लेकर ईसा पूर्व 232 तक ये थे। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, मतलब ये बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनामप्रिय अशोक था, देवनामप्रिय अशोक बोला जाता था। राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय ऐसा भी बोला जाता है था। उनका जो राजकाल ईसा पूर्व 269 से लेके 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य मौर्य साम्राज्य के उत्तर हिंदुकुश तक तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में जो गोदावरी रीजन था, आगे देखते हैं, दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक आज तक के सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा, मतलब उस आज तक का अगर अपन काउंट कर लेना तो उसमें भी सबसे बड़ा साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ही था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राट राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे। अशोक सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार किया और उसे राज्याश्रय भी दिया। हम और भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सम्राट अशोक महान जो है, देखते हैं, धर्म राज्य का चक्रवात सम्राट, राज्य श्रेष्ठ मगधराज भूपति, मौर्य राजा अशोक, धर्मशोक और अशोकवर्धन और अशोकवर्धन, प्रजापिता और धर्मनायक, ये सब उपाधियां थी सम्राट अशोक की। और ये सम्राट अशोक की एक स्टेचू बना हुआ है, तो इस प्रकार अशोक का ये स्टेचू आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद आगे देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन। समय अवधि देखिए इसकी, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, मतलब ईसा पूर्व में उल्टा चलता है कालक्रम, तो उल्टा चलता है उस अकॉर्डिंग ये है। और राज्य अभिषेक इनका जो हुआ था 272 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्ववर्ती इनके थे बिंदुसार, बिंदुसार इनके पिता का नाम था। उत्तरवर्ती इनके बाद दशरथ मौर्य राजा बने थे। जन्म इनका 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। निधन इनका 232 ईसा पूर्व में, वो भी पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। समाधि भी इनकी पाटलिपुत्र पटना में बनी हुई है। तो ये इनका एक सामान्य परिचय था सम्राट अशोक का। उसके बाद आगे और देखते हैं इनके बारे में। सम्राट अशोक की जो जीवन संगी थी वो देवी या कारुवांकी बोल सकते हैं, या पद्मावती बोल सकते हैं, या त्रिश्य रक्षिता बोल सकते हैं, ये सब इनकी जो वाइफ थी उनके नाम थे। संतान इनकी थी महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल, चारुमती। संघमित्रा और महेंद्र, संघमित्रा को तो उन्होंने वहाँ पे हमारे सीमावर्ती जो श्रीलंका वहाँ भी भेजा था प्रचार के लिए। अब आगे देखते हैं घराना। घराना इनका मौर्य राजवंश है। पिता का नाम इनके बिंदुसार है। ये सब नॉर्मल नॉलेज है जो भारत का शायद बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता होगा। इनकी माता का नाम इनके सुभद्रांगी, जो रानी धर्मावी जी ने कहा जाता है। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध पंथ का प्रचार किया था। सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं, इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप से मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे, इसीलिए उनका नाम इतिहास में एक महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। कलहण के रजत रंगिणी में धर्मशोक का उल्लेख आता है, तो इन्हें धर्मशोक भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारियाँ। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट बुद्ध ने था, अशोक बुद्ध ने था, जिसने प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी, अच्छा मतलब सम्राट अशोक, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग सही नहीं है, इसमें लिखा बुद्ध अनुयायी बन गए थे वो एक तरीके से। उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी, जो नेपाल में है लुम्बिनी माया देवी का मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोध गया और उसके बाद कुशीनगर और आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन आदि देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। मतलब इन देशों में भी अशोक स्तंभ आपको आसानी से मिल जाएंगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मिस्र, यूनान में भी करवाया।
सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार कई आदि इन विश्वविद्यालयों में से एक थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों ने विदेश में कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे और ये विश्वविद्यालय आज के समय उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख के प्रारंभ करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया जो आज भी कार्यरत है और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और श्रीलंका आगे उसमें आगे भी बढ़े। आगे देखते हैं अब हम इनका आरंभिक जीवन वगैरह हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ये मैंने एक स्टार्टिंग का डिस्क्रिप्शन दिया है सम्राट अशोक के बारे में। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी की कई सारे पॉइंट्स हैं जैसे इनका आरंभिक जीवन है, इनका साम्राज्य विस्तार है, इनकी राजधानी है, ये हम किसी नेक्स्ट इसके पार्ट में डिस्कशन करेंगे। राजधानी है, कलिंग की लड़ाई है, बौद्ध धर्म है, शिलालेख है, इनके बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी और इनकी कला, फिल्म और साहित्य कैसा है, ये सब हम बाद के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।